Namaskar, welcome back. I'm Dr. Sushil Dubey. I am a homeopathy consultant and founder of Aeon Homeopathy. Students अक्सर ये पूछते हैं कि एक्यूट केस को सॉल्व कैसे करें. एक्यूट केस को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है. तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को. यहाँ मैं आपको एक्यूट केस को सॉल्व करने का एक बेहतरीन फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपको आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा. जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो सबसे पहले उसके नियम को समझना बहुत ज़रूरी होता है. किसी भी गेम में अगर हम नियम को ना समझें या हम नियम को ना माने या उस गेम में नियम ना हो तो उस गेम का कोई मतलब नहीं होता. उस गेम को कोई कभी नहीं खेल सकता. बिल्कुल इसी तरह से होम्योपैथी में भी डिफरेंट केसेस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं. मैं इस छोटे से केस के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक्यूट केस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और क्या उसका फॉर्मूला है. तो मैं जो केस प्रेजेंट कर रहा हूँ वो केस है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का. 2 दिसंबर 2017 को एक 24 साल का पुरुष मेरे पास आया एंड उनके जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थे वो थे हिमाचूरिया सिंस मॉर्निंग एंड बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी पेशाब करते वक्त जलन हो रही है पिछले एक दिन से. उन्होंने बताया कि कल से अचानक शुरू हो गया, पेशाब करने में बहुत पेन हो रहा है, बार बार जाने का मन होता है, बहुत तेज़ लगी है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेज़ लगी है, लेकिन जब करने लगो तो बस ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है. आज सुबह तो यूरिन के लास्ट ड्रॉप्स में ब्लड भी आया. यूरिन करते वक्त बहुत जलन हो रही है पेशाब के रास्ते में. एब्डोमेन भी पेन करने लगता है पेशाब करते समय. दिस इज़ एन एक्यूट स्टेट ऑफ डिजीज़. ये हम सबको पता चल जाता है क्योंकि ये सडनली आया है और बहुत ही थोड़े समय से है. सो टू सॉल्व एनी एक्यूट डिजीज़ वी मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन द कॉज ऑफ डिजीज़ एंड प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. यहाँ कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटिंग सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्यूट केस को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? एक्यूट डिजीज इक्वल्स कॉज प्लस प्रेजेंट सिम्टम्स. हियर इन दिस केस वी कुड नॉट फाइंड द कॉज. ऐसा कई बार होगा कि आप कोई केस ले रहे हैं एक्यूट डिजीज़ का या क्रॉनिक डिजीज़ का और आपको कॉज नहीं मिलता. आप बहुत प्रोब करना चाहते हैं लेकिन आपको वो कॉज पता नहीं चलता फॉर एनी रीजंस. लेकिन जब आपको कॉज पता नहीं चलता तो क्या हमारी गाड़ी वहीं रुक जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए. अगर कॉज नहीं है तो भी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स तो हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से इस केस में भी, हियर इन दिस केस वी कुड नॉट फाइंड द कॉज बट येट वी हैव द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स. व्हाट ऑल सिम्टम्स आर देयर? बर्निंग पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, देयर इज हिमाचूरिया इन लास्ट ड्रॉप्स, देयर इज कॉन्स्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, ड्रिबलिंग यूरिन इन ड्रॉप्स व्हेन यूरिनेटिंग. तो ये कुछ 5-6 सिम्टम्स हमारे सामने हैं. इसको हमने रेपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, रेपर्टोरियल एनालिसिस की और क्या क्या रूब्रिक्स लिए. पहला रूब्रिक ब्लैडर अर्जिंग टू यूरिनेट कॉन्स्टेंट, सेकेंड ब्लैडर यूरिनेशन ड्रिबलिंग, यूरिन ब्लडी, ब्लैडर पेन बर्निंग यूरिनेशन ड्यूरिंग, यूरिन ब्लडी लास्ट पार्ट, यूरेथ्रा पेन बर्निंग यूरिनेशन ड्यूरिंग, यूरेथ्रा पेन यूरिनेशन ड्यूरिंग. अब इसमें हम देख सकते हैं कि दो मेडिसिन आई, कैंथेरिस एंड लाइकोपोडियम. इनमें से दोनों ही यूरिनरी ट्रैक्ट पर एक्शन है इनका. दोनों ही बहुत बेहतरीन मेडिसिन हैं यूटीआई के लिए. लेकिन हम अगर मटीरिया मेडिका को रेफ़र करें तब हमको समझ में आएगा कि इसमें जो कैंथेरिस है वो इस तरह के एक्यूट स्टेज को प्रोड्यूस करता है, इस तरह के एक्यूट स्टेट्स को वो इवॉल्व करता है. मेडिसिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कैंथेरिस 30 TDS इन वाटर डोजेस वॉज प्रिस्क्राइब फॉर 2 डेज एंड दिस इज दी रिपोर्ट्स. पहले वाले रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि अपीरेंस हेजी है, प्रोटीन डिटेक्टेड है और फुल फील्ड ऑफ पस सेल्स, फुल फील्ड ऑफ RBCs. और सेकेंड रिपोर्ट जो कैंथेरिस के बाद था उसमें आप देख सकते हैं कि सभी पैरामीटर्स क्लियर हैं, सभी पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल रेंज हैं. और ये सिर्फ दो तीन दिन के बाद का रिपोर्ट है. ये
If you have any questions, please ask in the comment section below. Also, let me know in the comment section below on what topics should I make videos that will be helpful for you. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से, ताकि उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले और उनको भी सहायता हो होम्योपैथिक लर्न मेथड्स को लर्न करने में. मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि होम्योपैथी में जो भ्रांतियाँ फैली हैं पहले तो वो दूर हो जाएँ और आम जनता भी जागरूक हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो होम्योपैथी का लाभ उठा सकें. थैंक यू फॉर ऑल योर लव लाइक्स. आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप और इसका नंबर है, मेरा ईमेल आईडी भी है. एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.